तो गायिका नेहा सिंह राठौर इस समय भोजपुरी बचाओ आंदोलन चला रही है, जिसके तहत में सरकार से सवाल पूछ रही है कि ऐसे सांसदों को आप क्यों रख रहे हो जो इस तरह के गाने गाते हैं जिसमें थोड़ी अश्लीलता भी दिखती है। इस कारण नेहा सिंह राठौर जो है ये आंदोलन चला रही है। अब कल नेहा सिंह राठौर का एक इंटरव्यू एबीपी न्यूज के साथ नेहा सिंह राठौर ने खुद अपने सोशल मीडिया पर शेयर करा। इंटरव्यू उनका एबीपी न्यूज के साथ था। तो नेहा सिंह राठौर उस इंटरव्यू में कहती है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ वे क्या कहती हैं। नेहा सिंह राठौर बोलती हैं, मेरी लड़ाई भोजपुरी को लेकर है, भाजपा से सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ या मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भाजपा ने भोजपुरी को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है कि जो जितना गंदा गाएगा उसको उतनी जल्दी टिकट देकर संसद भेजेंगे, क्योंकि सबसे पहले फटाफट खोल के दिखा गाने वाले मनोज तिवारी, इसके बाद लहंगा रिमोट से उठाने वाले रवि किशन जी को आप टिकट दे रहे हैं। बीच में वह एक और नाम लेती हैं, जिसके बाद पवन सिंह का सोतन बंगलिया से। तो हम जैसे भोजपुरी भाषी लोग जो अपनी भोजपुरी भाषा को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं, अगर कोई भी पार्टी ऐसे लोगों को प्रमोट करती है, टिकट देती है, तो हम उनसे सवाल करेंगे, आप जिम्मेदार हैं भोजपुरी की बर्बादी करने में या बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो नेहा सिंह राठौर उस इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहती हैं। अब नेहा सिंह राठौर ने यहाँ पर नाम लिए, मनोज तिवारी का नाम लिया, रवि किशन का नाम लिया, और उन्होंने नाम लिया तीसरा पवन सिंह का। पवन सिंह भी अब किसी पार्टी से लड़ने वाले हैं, वैसे उम्मीद बीजेपी से ही है, पर अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनकी मुलाकात जेपी नड्डा जी से भी हुई थी। तो अब देखते हैं वो किससे पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। जिसके बाद नेहा सिंह राठौर का कल एक ये वाला वीडियो भी मैंने आपको शेयर करा था जिसमें रवि किशन जी के बारे में बोला था। जिसके बाद नेहा सिंह राठौर का ऐसा लिखने के बाद कुछ जनता की राय कुछ इस प्रकार थी। तो एक यूजर लिखते हैं, सुर्खियां बटोरने की निंजा टेक्निक, जब आपको कोई जानता ना हो तो किसी चर्चित नाम पर कीचड़ उछाड़ने लगे। यूजर लिखते हैं, पहले भोजपुरी में अश्लीलता होती थी तो अब उसको चेंज कर नेहा ने चमचागिरी कर दिया है। तो एक यूजर लिखते हैं, टिकट नहीं मिलने का कितना दर्द है, दिख रहा, जल्दी दे दो टिकट कोई तो पार्टी, अश्लील गानों पर इतने दिन चुप क्यों थी। इस प्रकार की कई सारी कमेंट नेहा सिंह राठौर की उस वीडियो के नीचे थी। अब एक सवाल पूछना बनता है, फिर भाई क्या ये सब जो नेहा सिंह राठौर इतना बोल रही है, इतना दिनों से आंदोलन चला रही है, क्या ये फेम के लिए चला रही है, आपको क्या लगता है, या फिर ये सही में ही भोजपुरी बचाओ आंदोलन को दिल से सपोर्ट करती है। अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।